आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। हल्द्वानी की सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं की होगी नसबंदी। हल्द्वानी की सड़कों पर आवारा पशुओं की संख्या बढ़ रही है हर दिन घंट। शहर में घंटों जाम लग रहा है, कई लोग चोटिल भी हो रहे हैं। हल्द्वानी नगर निगम जल्द कुत्तों के वंध्याकरण का काम शुरू करने जा रहा है। जिला योजना समिति के चुनाव न होने पर HC सख्त, सरकार को तिथि बताने के दिए निर्देश। देहरादून निवासी प्रदीप भट्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर पर कहा कि प्रदेश में अब तक जिला योजना समिति के चुनाव नहीं हुए हैं, जिस वजह से प्रदेश में कई विकास कार्य बाधित हो रहे हैं और नगर पंचायत नगर पालिका के सदस्यों के द्वारा खर्च की जाने वाली 650 करोड़ की धनराशि को सरकार के द्वारा जिलों के DM से खर्च करवाया जा रहा है। बाबा रामदेव ने WWE रेसलर के साथ किया योग, लंगोट में तस्वीरें हुई वायरल। बाबा रामदेव WWE रेसलर के साथ योग करते दिखाई दिए हैं। बाबा रामदेव के साथ रेसलर रिंकू सिंह राजपूत भी हैं। साइबर ठगी का मकरजाल, साइबर क्राइम पर बड़ा खुलासा। सरकारी छुट्टी वाले दिन हो रही सबसे ज्यादा ठगी। अब ऐसी स्टडी में सामने आ रहा है कि फाइनेंशियल साइबर ठगी की सबसे ज्यादा शिकायतें वीकेंड और सार्वजनिक छुट्टी वाले दिन ज्यादा होती हैं। एक साल में करके दिखाऊंगा 5 साल के बराबर का काम, कैलाश पंत। आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के रामनगर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भले ही उन्हें इस पद पर कार्य करने के लिए 1 साल का समय मिला हो, लेकिन 1 साल में 5 साल के बराबर कार्य किया जाएगा। विकासनगर में स्मैक और वन तस्करी के 3 आरोपी गिरफ्तार, भेजे गए जेल। विकासनगर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक आरोपी को 4.25 ग्राम स्मैक के के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी ओर सहसपुर पुलिस ने वन तस्करों के खिलाफ अभियान चलाते हुए 2 तस्करों को 152 नग काजल की प्रतिबंधित वन उपज के साथ पकड़ा है। समाज में अग्रणी भूमिका निभाने वाली 20 महिलाओं का हुआ सम्मान। अग्रवाल सभा भवन में रामनगर की महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के तहत समाज में अपनी अग्रणी भूमिका निभाने वाली 20 महिलाओं को शॉल उड़ाकर व पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। सवालों में आबकारी नीति, पहले चरण में नहीं मिले 130 लाइसेंसी दुकानों को खरीदार। उत्तराखंड आबकारी विभाग आवंटन के पहले चरण में 130 लाइसेंसी दुकानों को आवंटित नहीं कर पाया। राज्य भर में 622 देसी व अंग्रेजी शराब की लाइसेंसी दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। देहरादून जिले के निर्धारित राजस्व का लक्ष्य 501 करोड़ रखा गया है। आप उत्तराखंड प्रभारी का बागेश्वर में जोरदार स्वागत, का प्रदेश में आप बनाएगी सरकार। बागेश्वर पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने कहा कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लोगों को विकास की झलक केवल आम आदमी पार्टी ही दिखा सकती है। गंगोत्री मार्ग पर चलती बस में लगी आग, बाल बाल बची यात्रियों की जान। इसके गंगोत्री NH 94 उत्तरकाशी जा रही बस में अचानक आग लग गई। बस में आग लगने से सवारियों में अफरा तफरी मच गई। हादसे में जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। वकील ने लगाया पड़ोसी पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप। ग्राम ढकिया गुलाबो निवासी अधिवक्ता ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उनके पड़ोसी एक महिला और उनके बेटों ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने जल्दी मामले में आगे की कार्रवाई करने की बात कही है। मेरीनाग कांग्रेस जिला प्रभारी ने बैठक में सुनी कार्यकर्ताओं की समस्याएं। कांग्रेस जिला प्रभारी भुवन कापड़ी ने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अब एकजुट होकर काम करना होगा। साइबर ठग ने खाते से उड़ा लिए 9 लाख रैपिड एक्शन से मिले वापस। रामनगर में एक व्यक्ति के खाते से 9 लाख रुपए कट गए, जिसकी सूचना उसने पुलिस को दी। रामनगर पुलिस ने फौरन ही मुकदमा साइबर सेल को भेजा, जहां पर साइबर सेल ने तत्परता दिखाते हुए वादी के अकाउंट से 9 लाख रिकवर कराए। गणेश जोशी ने सदन में उठाई क्षेत्रीय समस्याएं, विभागीय मंत्रियों ने दिए जवाब। विधानसभा सत्र की कार्यवाही के दौरान विधायक गणेश जोशी ने सदन में क्षेत्र की कई समस्याएं उठाई, इस पर विभागीय मंत्रियों ने जवाब दिए। इस सवालों में माल रोड पर वेंडर जोन, रोजगार देने और आवास विकास कॉलोनी में व्यावसायिक गतिविधियों के मुद्दे शामिल थे। लक्सर में देसी शराब के 70 पवों के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। लक्सर कोतवाली क्षेत्र में देसी शराब के 70 पवों के साथ एक आरोपी को रायसी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जल्द मोटर मार्ग से जुड़ेगा तरवाड़ी विलेज, वन पर्यावरण मंत्रालय से मिली स्वीकृति। जल्दी मुख्यालय से सटा गांव तरवाड़ी मोटर मार्ग से जुड़ेगा, इसके लिए लोनिवी ने वित्तीय स्वीकृति के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। चैती मेले की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ने ली बैठक। उद्यम सिंह नगर में आयोजित होने वाले चैती मेले की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी ने बैठक की। जिलाधिकारी नाम मेले को सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी को जरूरी दिशा निर्देश दिए। विश्वविद्यालय ने परीक्षा केंद्रों में किया बदलाव, आदेश जारी। हिमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय ने होने वाले सेमेस्टर बैक पेपर को लेकर परीक्षा केंद्रों में बदलाव किए हैं, जिसके अनुसार 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
कुंभ 2021 जूना अखाड़े की पेशवाई से पहले तीन महामंडलेश्वरों का पट्टाभिषेक। जूना अखाड़े की पेशवाई से पहले तीन महामंडलेश्वरों का पट्टाभिषेक किया गया। पट्टाभिषेक के कार्यक्रम में पहुंचे आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी ने कहा कि जूना अखाड़ा पुरातन ऋषि परंपरा का सूचक है। त्रिवेंद्र सरकार अपनी 4 साल की उपलब्धियां जनता को गिनाएगी। 18 मार्च को उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार को 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। 4 साल पूरे होने पर त्रिवेंद्र सरकार सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित कर जनता के सामने अपनी उपलब्धियां गिनाएगी। देहरादून में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में लाइव दिखाया जाएगा। जल संकट दूर करने में जुटा जेबी पंत संस्थान, 12 हिमालयी राज्यों को जल संकट से मिलेगी राहत। अल्मोड़ा में जीवी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान जल के संवर्धन व संरक्षण की योजना पर कार्य कर रहा है, जिसके तहत 12 हिमालयी राज्यों में संस्थान वाटर सेंचुरी बनाने के साथ ही सूख चुके जल स्रोतों को रिचार्ज करने के कार्य में जुटा हुआ है।